नमस्कार प्रभास अक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा देश के विभिन्न कोनों से होते हुए उड़ीसा में है। उड़ीसा में इस समय हम भुवनेश्वर में हैं। ये है बीजू जनता दल का मुख्यालय जो कि यहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी है। मैं आपको बता दें कि उड़ीसा में लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव साथ कराए जा रहे हैं। मेरे साथ बीजेडी के कुछ कार्यकर्ता हैं, आइए समझते हैं यहाँ की राजनीति को। जी क्या लग रहा है इस बार, बीजेडी प्रचार तो कर रहे हैं लेकिन मुकाबला तो बता रहे हैं कि बहुत कड़ा है, लगता है कि बीजेडी यहाँ पर दोबारा सरकार बना पाएगी? बीजेडी सरकार जो है जी इस बार एकदम 100-100 में आएगी जी। जी उड़ीसा में सिर्फ संख्या ही संख्या है, बस और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जी जी जी। और आपको अगर हम देखें लोकसभा के भी चुनाव यहाँ पे हो रहे हैं, विधानसभा के भी हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि बीजेडी लोकसभा में भी और विधानसभा में दोनों में अच्छा प्रदर्शन करेगी? सिर्फ बीजेडी ही बीजेडी है। अच्छा, दोनों जगह डबल संख्या। लेकिन बीजेपी भी, प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पे आ रहे हैं, उनके भी बड़े बड़े नेता यहाँ प्रचार कर रहे हैं, लग रहा कुछ असर होगा? वो तो उनका ड्यूटी वो करेंगे, वो तो प्रचार करते रहेंगे जी। लेकिन अपना उड़ीसा में जो है वो सिर्फ संख ही संख है, उसका अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है जी। आपको क्या लगता है भैया, नवीन बाबू या कोई और इस बार? हर बार तेरा नवीन बाबू तो आएगा है। नवीन बाबू आएंगे जी, तो नवीन बाबू को क्यों आना चाहिए बताओ? मतलब उड़ीसा में बहुत डेवलपिंग कर रहा है ना नवीन बाबू, इसलिए तो आएगा जी। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव का प्रचार तेज होता जा रहा है, आपको क्या लग रहा है उड़ीसा में इस बार क्या रहने वाला है? नवीन सरकार आ रही है, नवीन सरकार पक्का 100% जी। लेकिन बीजेपी पूरा जोर लगा रही है, कह रहे हैं नवीन बाबू को थोड़ा आराम दीजिए, हमको आने दीजिए, क्या लगता है बीजेपी का? मतलब जो भी वोट मिलेगा लेकिन वो मोदी से, नरेंद्र मोदी के हवा में मिलेगा जी। बाकी जो कर्मकर्ता इधर है ना, वो आपस में इनका यूनिट नहीं है जी। यूनिट वजह से ये जो ये प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपस में यूनिट होता, जो भी वोट आएंगे, जो भी सेकंड पोजीशन में, वो नरेंद्र मोदी की हवा में वोट मिलेगा जी। और यहाँ पे लगता है कि सरकार एक बार फिर नवीन बाबू की बनने जरूर पक्का बनेगा जी। पक्का नवीन जी जब तक रहेंगे तब तक को सरकार दूसरा आने वाला नहीं है, दूसरा आने वाला नहीं है, नहीं है चांस। नवीन बाबू ने क्या जादू कर रखा है ये बताइए? जादू नहीं, उनका पहले जो पिताजी के टाइम पे, बिजू पटनायक टाइम पे जो फाउंडेशन था, नवीन बाबू आने के बाद फाउंडेशन थोड़ा डेवलप किया। हाँ, डेवलप करने के बाद आजकल जो पब्लिक है, जो पब्लिक की जो मतलब सेवा करेगा तो उसकी वो पब्लिक का मतलब वो बन गया, मतलब अपना पब्लिक उनको अच्छा था, हृदय में डाल दिया नवीन जी की, वो पब्लिक जो है ना अपना हृदय में डाल के रखा है जी। और नवीन बाबू ने ये भी कहा है कि जुलाई से आपका बिजली का बिल भी नहीं आएगा, तो लगता है आपको ये मतदाताओं पर ज़्यादा असर कर रही है? अगर जीत गए तो जो बिल जुलाई से बिजली बिल आएगा 200 यूनिट तक फ्री है, 200 यूनिट के बाद आपका जो बिल आएगा वो पक्का होने वाला है, होने वाला है। इससे लगता है कि बीजेडी को वोट बढ़ने वाले हैं, इससे बीजेडी को पक्का वोट बहुत बढ़ने वाला है, जी। भैया क्या लग रहा है इस बार, बीजेडी या बीजेपी? बीजेडी आएगा। क्यों बीजेडी क्यों आना चाहिए बताइए? बीजेपी तो कुछ काम नहीं किया ना जी, नवीन गवर्नमेंट जी बहुत कुछ काम किया जी, इसीलिए जरूर आएगा, जरूर आएंगे। और बीजेपी कह रही है कि 24-25 साल हो गए नवीन पटनायक जी को, इस बार हमको मौका दीजिए, लगता है कि जनता अपील वो नहीं बोलने से क्या होगा, काम करो दिखाने से होगा, कुछ काम नहीं है ना जी। इस बार चुनाव में बीजेडी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है, परिणाम क्या रहने वाला है बताइए? बीजेडी जीतने वाला है जी, बीजेपी सेकंड पोजिशन में रहने वाला है जी। और कांग्रेस को कहाँ देखते हैं आप? कांग्रेस का तो नामो निशान नहीं है। अच्छा, बाई चांस अगर एक ठो आ गया लोकसभा में तो बहुत है। बीजेपी 10 आएगा जी, लग रहा है। और बाकी जो 21 सीटें हैं उसमें आपको लगता है 11 बीजेडी के पास रहने वाली जी? विधानसभा में क्या रहने वाला है बताइए? विधानसभा में बीजेपी का खूब से ज़्यादा अगर 40 तक पहुंच जाए तो बहुत है जी। तो एक बार फिर यानी कि जो जनता है वो नवीन जी के साथ जी खड़ी नजर आ रही है, इस बार फिर से नवीन जी का सरकार होने वाला है जी। जी भैया इस बार क्या रहने वाला है उड़ीसा में, क्या किस सरकार बन रही है? उड़ीसा में ओनली बीजू जनता दल आएगा, डबल संख्या आएगा, जरूर आएगा, 21 की 21 लोकसभा और 122 एबव विधानसभा जरूर आएगा जी। लेकिन बीजेपी भी पूरा जोर लगा रही है, प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पे आ रहे हैं, आपको कुछ लगता है असर होगा इसका? बीजेपी ओनली यात्रा पार्टी है, वो नाटक किया है, उसका उड़ीसा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो बार बार आएगा प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, लेकिन उसका प्रभाव कोई नहीं, वो नवीन बाबू का जो लाइट, जो सूर्य की लाइट तरह है, उसका सामने मोदी जी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है? वो हिंदी कॉपी पर उड़िया जी, उड़ीसा बोल नहीं सकता जी। आप बताइए बीजेडी सरकार बनेगा और क्या, नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर होगा
नवीन पटनायक जी ने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी, आपको लगता है कि इससे पार्टी के वोट बढ़ने वाले हैं? हाँ, पार्टी वोट बढ़ने हैं, जरूर बढ़ेगा, पार्टी का वोट जरूर बढ़ेगा। वो जो जनहितकर कार्य किया है नवीन जी, जो अभी जो मैनिफेस्टो है उसमें गरीब लोगों के लिए 100 यूनिट बिजली संपूर्ण फ्री जी, और उसके बाद जो बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना है उसमें सरकारी अर्ध सरकारी लोगों को शामिल किया है नवीन जी, उसमें भी प्रभाव पड़ेगा, बहुत प्रभाव पड़ेगा। और युवा वर्ग के लिए जो 1 ईयर को 10,000 करोड़ का जो बजट रखा है उसका प्रभाव युवा वर्ग के लिए जरूर पड़ेगा। तो समय को वेट करो, देखियो उड़ीसा में फिर सिक्स टाइम नवीन जी जरूर चीफ मिनिस्टर बनेगा और इतिहास रचेगा, इतिहास रचेगा। तो आपने देखा कि बीजू जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं उनका विश्वास है कि छठी बार नवीन पटनायक मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रचेंगे। कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि जो ओडिशा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ जनता को जिस तरह से मिल रहा है उसका प्रतिफल उन्हें वोटों के रूप में मिलेगा। फिलहाल परिणाम क्या होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए भुवनेश्वर से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।